ओ मानसी साहब, ओ मानसी साहब थोड़ा एक मिनट दिखा हमको, दिखा थोड़ा, एक मिनट बातें करना है, मशीन रुका हुआ है, वहाँ पे डाला हुआ है क्या? सुनिए मानसी साहब, क्या बोल रहे मानसी साहब, एक मिनट के लिए आपसे पूछेंगे। देखिए इधर बिजी है, जब हम लोग जाते हैं तबे ये लोग बिजी ज्यादातर हो जाते हैं, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। भाई साहब ये इसके नीचे ये क्या है, ये क्या है, इसके ऊपर क्या आएगा, ये देखिए। अभी हम लोग बिहार के बैसखवा के सरगटिया रोड पे हैं, जो पश्चिमी चंपारण जिला में है, और मेरे पीछे जो देख रहे हैं वह पिच बन रहा है, और अलकतरा वाला पिच बन रहा है, और बिहार में कितना बढ़िया से काम होता है कंस्ट्रक्शन लाइन का, कि समय से पहले ये बोल ही देता। तो आइए इस पिच की कहानी बताते हैं, यही से शुरू कर दीजिए। ये देखिए पूरा गाढ़ा है और इसके ऊपर से रिपेयर का काम चल रहा है, और इधर भी दिखाइए कि पूरा धूल है, मिट्टी दिखाते चलिए, ये पूरा धूल है, ये देख रहा है ना, इस पे जो है अलकतरा चढ़ेगा, ये जो है ना अलकतरा चढ़ेगा, और जब अलकतरा इसके ऊपर बिछाया जाए, चाहे आधा इंच हो और चाहे एक इंच क्यों ना हो, जाहिर सी बात है कि धूल की इतनी ताकत होती है कि उस अलकतरे की चूच को हार देती है, और बाद में रोज वो प्रेम हो जाता है। पूरा काम चल रहा है, आपको दिखाएंगे, और चलते हैं ये कि जितने भी लोग काम करने वाले हैं गजरे से काम कर रहा है, उधर से हवा मार के पूरा धूल उड़ाया जा रहा है। आइए 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 आइए, ये देखिए पूरा इधर खूब बढ़िया से उड़ाया जा रहा है, पर इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, ज्यादा इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो मेन चीजें है जो यहाँ पे काम हो रहा है वो चीजें दिखाने वाली। और आइए इधर काम चल रहा है, दिखाएंगे कि कितना ही काम चल रहा है। ये देखिए पूरा छड़ी है, रोड टूटा है, रिपेयरिंग का काम हो रहा है, अच्छा है रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, नया पिच बन रहा है, नया पिच बन रहा है, तो नया पिच जो है बनना चाहिए भी, और अच्छा तरीके से बनना चाहिए। देखिए इधर जो है काम हो रहा है, और यहाँ के कुछ लोग हैं तो हमें सबूत तो दिए ही है, लेकिन आइए कुछ लोग इधर है, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा काहे काम हो रहा है। जहां भी अपने पूरा धूल है, मिट्टी 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 है, जब इस पे अलकतरा चढ़ेगा तो जाहिर सी बात है नीचे पकड़ेगा नहीं, और जल्द ही चंद समय में ये टूट जाएगा, और ऐसा जो इलाका है इधर पानी भी आता है। तो आइए कुछ लोगों से बात करेंगे, आइए सर मिल गए, सर का नका नाम हुआ, अच्छा आप नहीं बताइएगा, नहीं बताएंगे, और दिखा दीजिए कि यही काम हो रहा है अलकतरा वाला, और बड़ी बढ़िया से काम होता है, और बिहार में कितना बढ़िया कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ये दिखाइए कितना बढ़िया कंस्ट्रक्शन का काम होता है, लाइनिंग देखिए खूब बढ़िया से काम हुआ है, और इधर हाँ यहाँ भी दिखा रहे हैं, ये देखिए ये दिखाइए हाँ, अब आइए क्या नाम है कि इतना कहेगा, खिसिया गए हैं, आए इधर आइए सामने से बात करो, हमारा सामने खड़ा हो जाइए, आप जहाँ कहिएगा वहाँ चढ़ जाएंगे, हमको दिक्कत नहीं है, इधर आइए, क्या नाम है आपका, ही होता है मेरा नाम रमेश सोनी है, अच्छा यहाँ का है, हाँ मनसी है, मनसी जी हैं, बड़ी अच्छा बात है कि मनसी के निगरानी में काम हो रहा है, लेकिन इंजीनियर के निगरानी में नहीं हो रहा है, इंजीनियर साहब तो नहीं है, इंजीनियर साहब आए तो अभी चेक करके गए हैं। देखिए बिहार में इंजीनियर लोग की यही कहानी है कि चेकअप करते हैं, और उससे पहले कि पूर धस जाता है उड़ जाता है, भाई आइए सर, मनसी साहब आइए ना, कहाँ आ रहे हैं, उधर जाए, हाँ देखिए काम आपका बंद है, और इतना देखिए इधर से यो भाई साहब आ गए, भैया चढ़ाइएगा ना ही छोड़ दीजिएगा, हाँ दाब दीजिए ना तो चढ़ा दीजिएगा, दब जाएंगे, हाँ आइए मंत्री, देखिए मंत्री साहब भाग रहे हैं, देखिए जवाब देंगे नहीं, अब बिहार में ऐसा नहीं सर इंजीनियर होता है कि कहीं ओवर ब्रिज टूटा रहता है, कहीं ओवर ब्रिज उड़ जाता है, हवा में भी उड़ता है, आईओ रोड का गारंटी है कि बरसात का महीना आने वाला है, और बरसात में ये पिच उड़ जाएगा, और आगे देखिए गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि आगे जो एक अलकतरा का पिच बना हुआ है आधा इंची लगा है, अब वो वीडियो चलाएंगे आप देखिएगा, और मंत्री साहब भाग गए धड़क धड़ से भागे, देखिए एक और कमाल की बात ये है, देखिए कमाल की बात यहाँ भी है कि रोड जो है दोनों साइड डाउन है,
रोड दोनों साइड डाउन है और बीच में रोड जो है ऊंच है, यानी बीच में जो माल है कम पड़ा हुआ है और साइड में ज्यादा माल पड़ा हुआ है, सही है कि नहीं? सही है। यानी साइड दिखाने के लिए साइड डाउन रखा गया है और बीच में जो है पतला माल है किसी को, क्योंकि कोई बीच में तो दिखेगा नहीं, तोड़ के भी साइड में देखा गया। तो इंजीनियर लोग का चोरी करने का सबसे पहला तरीका होता है कि रोड का दोनों साइड डाउन रखते हैं। आइए आगे भी दिखाते हैं कि आखिर भैया किधर है, चलिएगा आइए पीछे दिखाइए कितना लोग हैं पीछे पीछे, ये सब लोग गांव वाले हैं और दिखाएंगे कि आखिर दिक्कत कहाँ है। थोड़ा चलिए तेजी में चलिए, लेके चल रहे हैं कि कहाँ इनको दिक्कत हुआ है और वो चीज दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। और यहाँ के जो मंसी है वो तो भाग चुके हैं। आइए यहीं से आप नजर उठा के देखिए, देखिए अच्छा एक बात बताइए, हमारा क्या दिक्कत है आप बताइए? दिक्कत यही है कि जो इसमें ना रोड नीचे पड़ा है, मिट्टी के ऊपर अलकतरा का वो पीच हो रहा है, वो भी आधा इंची कहीं है कभी पौन इंची है। अच्छा आप चेक किए हैं? हाँ चेक किए हैं। आप चेक करने में वीडियो वीडियो बनाए? हाँ वीडियो बनाए हैं। ये जो वीडियो बनाए हैं वीडियो चला देंगे, आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से नीचे पूरा धूल मिट्टी है और उसके ऊपर से जो अलकतरा है इसको डाल दिया गया। इधर देखिए कितना इंच हो सकता है बताइए आप, ये कितना इंच है? ये एमएम में है, इंच में कहा? इसके नीचे ये देखिए, इसके नीचे ये क्या है? ये धूल उड़ा है लोग, ये मिट्टी निकल रहा है, ये क्या है? ये इसके नीचे ये क्या है? ये क्या है? इसके ऊपर क्या अरेगा? ये देखिए कि पूरा रोड की सच्चाई ये है कि ऐसा ऐसा ये जो धूल है ये धूल उड़ते रहेगा, समझ रहे हैं ना? तो देखिए बिहार में ऐसा ऐसा काम होता है और ये लूटने का अड्डा होता है और यही कारण है कि चाहे करोड़ों का टेंडर क्यों ना हो समय से पहले उड़ जाता है, टूटता है कि नहीं भैया? क्या है ना कि भागलपुर में ये जो ब्रिज गिरा हुआ है सुने हैं, क्या कारण हो सकता है? ऐसा ही काम हुआ होगा, ऐसा ही इंजीनियरों का भ्रष्टाचार हुआ है ताकि वो ब्रिज टूट चुका है और उसमें मजदूर मारे गए हैं। और इस रोड से भी वही होगा कि जब रोड टूटेगा तो ना जाने कितने लोगों का एक्सीडेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? सावन का भादो का महीना आने वाला है, पानी लगता है कि नहीं सरिया? लगता है ना, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? देखिए कि जब इस तरीके से इतना बढ़िया काम बिहार में होगा तो बिहार सरकार आप ही बताइए कि आपके इंजीनियर लोग कितना कमार के हैं। इधर जितना देखिएगा जैसे लगेगा कि शायद दही डाला गया उस पर से छाली बिछा दिया गया है। और यही काम इस रोड में भी हुआ है कि बताइए मुंशी जी दिखा रहे थे यहाँ तो मुंशी जी दिखा अब बताइए यहाँ तो मुंशी जी कहे भाग गए हैं, मुंशी जी जवाब देने से भाग गया है। आई रोड का जहाँ तक नजर उठा के देखिएगा पूरा का पूरा, हमको लग रहा है कि आधा इंच तक नहीं होगा, मतलब आधा इंच समझ रहे हैं, साढ़े बारह एम एम, एक एम एम में एक इंच में 25 mm होता है लगभग, लेकिन उससे भी कम है। आइए 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 बाइक वाले भैया बताएंगे, शायद लग रहा है डर इनको नहीं लगता है। क्या रोड बढ़िया बन रहा है? नए रोड तो 1 inch आधा इंच है। अच्छा क्या इंच होना चाहिए? अब कौन इंच होना चाहिए ठेकेदार लोग बताएंगे। अच्छा रोड बढ़िया आपके देखने में बन रहा है? नहीं कहाँ बढ़िया बन रहा है यार, महीना चल जाएगा भाई, महीने कहाँ चलेगा? इस पर ट्रक चलता है इधर जाता है गिट्टी बालू लादकर यहाँ से, डर वो नहीं लग रहा है? इसे कहे बोल रहे हैं डर क्यों लगेगा? आपको मारने लगेगा, देख रहे ना सब कुछ तो बंगई करता है आजकल, देख रहे हैं ना कैसे मारने लगेगा? सही बात बोल रहे हैं भाई, सही बात बोल रहे हैं कि गलत काम हुआ है। हाँ हाँ गलत काम हुआ है, देखिए कि गांव वाले भी बोल रहे हैं और राहगीर भी बोल रहे हैं कि काम गलत हुआ है। अगर एक अनपढ़ आदमी बता सकता है कि इस रोड में अनियमितता बरती जा रही है तो भाई पढ़े लिखे इंजीनियर साहब लोग को काहे नहीं मालूम होता है? बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ धनंजय। जा कहाँ रहे हैं? हम तो बैसकवा चौक से जा रहे हैं। बैसकवा चौक से? बैसकवा चौक से सरगटिया वाला रोड है जा रहे हैं। बहुत बढ़िया पिच बना है? नहीं बहुत बढ़िया तो नहीं बना हुआ है। कई महीना चलेगा रोडवा? बहुत पतला दिख रहा है। अब तो ये डिपार्टमेंटल जो इंजीनियर है उनको देखना चाहिए, डिपार्टमेंटल इंजीनियर का भी मैच चेक करके चलेगा। अब पता ना कैसे चेक करके गए? देखिए ऐसा ऐसा चेक करता है कि जैसा जैसा 2 महीना में उड़ जाए। जी जी जी, ये 5 साल थोड़ा चलवाना है जी, बिहार है, बिहार में उद्घाटन से पहले रोड टूटता है, पुल टूटता है, ओवर ब्रिज गिरता है,
ये रोड कहाँ चलेगा ज्यादा दिन? ना ना सही बात है, सही है कि नहीं है? सही है। देखिए बिहार की ये सच्चाई है और यहाँ के कोई भी काम करने वाले जवाब देने वाले है नहीं। मंत्री साहब भी दो शब्द बोले हैं, टिनफिनाई बोले हैं, हम टिनफिनाई बतियाए हैं, वही जगह से भाग गए तो समझ गए हैं जवाब नहीं दिए मैंने, फिर चलते हैं और पकड़ के आपकी सवाल जबरदस्ती पूछेंगे। चलिए रोड का काम बढ़िया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, ताकि सब किसी को आना जाना है, क्या पता है अभी कभी आइएगा चले जाइएगा, टूटेगा सबको दिक्कत होगा। अच्छा रोड बढ़िया बन रहा है? वो तो पूछिए उनसे, मंसी से। हाँ भाई काम करने वाले हैं, इनसे दबाव नहीं ले सकते हैं। आइए अब इधर एक और भाई साहब है, मंसी साहब। मंसी साहब एक मिनट के लिए आपसे पूछेंगे। देखिए इधर बिजी है, जब हम लोग जाते हैं तबे ये लोग बिजी ज्यादातर हो जाते हैं, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। आई भाई साहब मुस्कुरा रहा है, भाई साहब बड़ा बढ़िया हंस रहा है। ये बताइए रोड का काम कैसा हो रहा है? देखिए अगर अभी शुरुआत है चचा, आपका भी उम्र बहुत है, ऐसा रोड बनता है सारे जगह? ये बनता है, ओ सब बनेगा, हम बात नहीं पूछे है, ऐसा रोड सब जगह बनता है? ये बनता है, सब जगह बनता है, मतलब कि सब जगह ऐसा ही बनता है। मुख्यमंत्री जी या बिहार के इंजीनियर हो, ध्यान दीजिएगा कि काहे रोड 4 महीना 6 महीना 1 साल में उड़ जाता है, ऐसा ही रोड बनता है। आई लेबर लोग से ज्यादा कोई नहीं बता सकता है। आई देखिए कि हम कितना खोजेंगे हमको भी पता नहीं है। आइए थोड़ा इधर का, ओ मंसी साहब, ओ मंसी साहब थोड़ा एक मिनट दिखता है हमको, दिखा है एक मिनट बातें करना है, मशीन रुका हुआ है। चालीस एम एम का मतलब 40 एम एम में देंगे उतना ही चाहिए। क्या बोले देखिए भैया, आपका दिक्कत है? आइए आप भी काम करने वाले हैं, हम भी काम करने वाले हैं। वेस्टमेंट में आया हूँ, बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे डाला हुआ है। सुनिए हल्ला करने से दिक्कत नहीं है, इधर सुनिए, ये जो काम करवा रहे हैं आगे जो साफ करवा रहे हैं, डस्ट को उड़वा रहे हैं, बगल में दोनों तरफ दूब समझ रहे हैं ना, हम लोग दूब बोलते हैं प्यार में, तो दूब जो है रोड पे है, दूब पर सुनिए, जब अलकतरा डालिएगा, सुनिए जब अलकतरा डालिएगा तो वो फाड़ देगा, जब फाड़ देगा सुनिए, कहा उधर भी है, हमने देखा भी है, दिखाए भी है, सुनिए रोड हमारा यहाँ आ रहा है, ये बताइए दूर कहा नहीं साफ करवाए हैं? सुनिए साफ कहा नहीं करवाए हैं? नहीं अलग है, सुनिए ना अलग नहीं है, दिखा दीजिए। सुनिए ओ मंसी साहब जवाब नहीं दे रहे, चाहते हैं ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, सरगटिया रोड है, यहाँ के मंसी जवाब नहीं दे रहे हैं, इंजीनियर उपलब्ध नहीं है, ऐसा ही घटिया काम होता है, बिहार के लोगों पर टैक्स का पैसा बर्बाद किया जाता है। बाकी शोर के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसा ईमानदार है ठेकेदार इंजीनियर और मंसी लोग के बारे में आपको क्या कहना है ये जरूर बताइएगा। जय हिंद।